मिश्रा जी, बीजेपी कहती है और भी बात विमल सिंह ने भी दोहराई कि भाई हम सबको साथ लेके चलेंगे, किसी को नहीं छोड़ेंगे। ठीक, ये इसी थ्योरी का प्रैक्टिकल है कि सबको साथ हम रखेंगे, दूसरी जगह कहीं कोई नहीं रहेगा, ऐसी परिस्थिति बन जाएगी तब नहीं। ये बड़ी पुरानी परंपरा है, बिना किसी बड़े लीडर का नाम लिए हुए मैं बोलूंगा कि कई लोगों ने यह बोला है कि राजनीति में विकल्प के दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं, विकल्पों की कोई कमी नहीं रहती है। और यह भी एक सुचितापूर्ण स्टेटमेंट है कि भाई मान लीजिए पता नहीं कब बड़े बड़े राजाओं का जो चक्रवर्ती सम्राट थे उनका मोह भंग इस संसार से हो गया, अपने परिवार से हो गया। गौतम बुद्ध का मोह भंग हो गया, अपने परिवार से छोड़ के कहीं और चल दिए। तो अब ये तो 500 लोग हैं, मैं 2500 उदाहरण, कभी भी किसी का मोह भंग राजनीति में हो सकता है, वो दूसरी तरफ अट्रैक्ट हो सकते हैं। अब चूंकि संवैधानिक प्रक्रिया में भी इसके लिए कोई बच्चा है भाई, दिल तो बच्चा है, कभी भी बैठ सकता है, नेता भी स्वतंत्र है। मिश्रा जी, आप बीजेपी के लोगों को गाइड कर रहे हैं कि वो मोह भंग कर दे अपना, बीजेपी से किसी को गाइड नहीं कर रहा सर, संविधान के हिसाब से मैं भी आजाद हूँ, मैं चाहूँ तो मैं भी बीजेपी ज्वाइन कर लूँ, कांग्रेस कर बीजेपी के कुछ दिन रह गए, बीजेपी के कुछ दिन रह गए, मेरी पार्टी को आना ही है। 2024 सबका अधिकार है, यहाँ पे सबको स्वतंत्रता की आजादी दी जाती है। चुनाव ने दिखा दिया, हमारा संविधान हमें कहता है कि हमारी नीति जिसके साथ मिल रही है हम उसके साथ काम कर सकते हैं। मैं कांग्रेस के पास चलूंगा, ना ना मैं भेदभाव नहीं कर सकता।